हाँ जी, आज की वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी ट्रेन की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 5 केसेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की, ठीक है, उसके फॉर्मूले सीख लेते हैं कि क्या फॉर्मूले होते हैं। हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? ठीक है, अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम यहाँ आ जाएगा। टाइम किसके इक्वल होएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के। क्लियर? और अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूले स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के। क्लियर? अब जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन में, हाँ जी, अब आगे इसमें कंसेप्ट आएगा कि किलोमीटर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है, ट्रिक ये है कि किलोमीटर पर आर को जब मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। क्लियर? जब आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। और अगर हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होएगा किलोमीटर पर आर में तो आपने 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये याद रखना है। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10 किलोमीटर पर आर दिया है और हमें कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। क्लियर? ये हमारा आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 20 मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में, तो हम क्या करेंगे, 20 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आर आया। ठीक है, क्लियर है? अब आगे करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम। ठीक है, ये ट्रिक है 5/18 का, जो है वो ट्रिक है। एक्चुअली कंसेप्ट समझ लो कि किस तरह से आता है। किलोमीटर पर आर को जब हम सेकंड आते हैं तो इनके जो, जब इनको कैंसिल किया जाता है ना, तब 5/18 आते हैं। क्लियर? अब हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, मतलब जो मेन हमारे 5 केसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्लियर? हाँ जी, तो हमारी फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि एक ट्रेन है और एक कोई ऑब्जेक्ट है। ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगा है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी है, 85 किलोमीटर पर आर में है, हमें सेकंड में दिया है टाइम तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। हम 5/18 कर देंगे, ठीक है, 5/18 कर दिया इनटू क्या ना, टाइम टू क्रॉस द ट्रेन। टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकंड। 18 के साथ 18 कैंसिल हो जाएंगे, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करना। मैंने 85 को जो है वो ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाया हुआ है कि किस तरह से 85 को 5 में से आप कुछ सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो ट्रिक मैं अभी यूज़ करने लगी हूँ। हम क्या करेंगे, 85 को 2 से डिवाइड कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जो आएगा मीटर में वही आंसर होएगा। मैंने 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सिखाई है कि मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप 2 से डिवाइड कर दो। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4, फिर आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा 1.5, सॉरी, ठीक है, इनटू 10। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 42.5 आएगा ना। अब ये वाले पॉइंट को हम कैंसिल करेंगे इस 10 से, दैट मींस हमारा आंसर आ जाएगा 425 मीटर उस ट्रेन की लेंथ होएगी। क्लियर? कैंसिल कैसे की है, 425 का पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 और ये 10 एक ये था, तो ये आपस में कैंसिल हो गए हुए हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये फर्स्ट वीडियो है आपकी जिसमें हमने केस 1 को डिस्कस किया कि एक ट्रेन और एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो फिक्स ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ बहुत कम होती है उससे रिलेटेड
क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें टाइम, स्पीड या लेंथ ट्रेन की निकालनी हो तो किस तरह से करेंगे। वीडियो टू में हम सेकंड केस लेंगे, ठीक है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई भी ऐसी बिल्डिंग, ठीक है, जिसकी लेंथ हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे 18 को कैंसिल करेंगे 72 को, तो ये आ जाएगा 1 4, 4 को कैंसिल करेंगे 1, और ये आ जाएगा 16 से कटिंग होएगी और टाइम हमारे पास आ जाएगा 16 सेकेंड। क्लियर? तो देखो एक ही स्टेप में, सिर्फ एक सिंपल से स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया है। अब आपने ये याद भी कैसे रखना है कि ये लेंथ लेनी है, स्पीड लिखनी है, तो आपने जनरल फार्मूला, आपको पता ना कि टाइम का जनरल फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मतलब इस केस में आएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, और स्पीड तो स्पीड ही रहेगी। क्लियर? इस फार्मूले को यूज़ करके हमने ऐसे फाइंड आउट कर लेना है। एक क्वेश्चन हमने ये टाइम पे कर लिया, और स्पीड और डिस्टेंस पे दो क्वेश्चन और करेंगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 120 मीटर, ठीक है, टेक्स 10 सेकंड टू क्रॉस अ मैन। 10 सेकंड में वो एक मैन को क्रॉस करके, प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है उसको क्रॉस करके चली जाती है। हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की। अब हम टाइम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया, अब स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोग क्या लगाओगे, अगेन लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और डिवाइडेड बाय आपने लगाना है यहाँ पे टाइम, टाइम टू क्रॉस, जितना टाइम उस ट्रेन ने क्रॉस करने के लिए लगाया है मैन को। तो स्पीड किसके इक्वल होएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है 120, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 10, सिंपल, जीरो जीरो डिवाइडेड कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेकेंड है, तो हमारे पास स्पीड कितनी आ जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। हाँ जी, अब ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारा डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन था। डिस्टेंस इस केस में मतलब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ट्रेन की। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रेन है, स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करती है एक टावर को, ठीक है, टावर आपको पता है फिक्स है, और एक दूसरी बात इसकी लेंथ बहुत कम है एज कम्पेयर टू ट्रेन, एंड टेक्स 18 सेकेंड, कहता 18 सेकेंड लगते हैं इसको क्रॉस करने के लिए उस टावर को। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ट्रिक क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल, हाँ जी, ट्रेन प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन है, पहली टाइप है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में हमारे पास है कि एक ट्रेन होती है, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है साथ में। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, पोल हो सकता है, कोई मैन हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, मतलब जिसकी लेंथ नहीं होएगी, ठीक है, ट्रेन की लेंथ होएगी लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी लेंथ नहीं होएगी, ठीक है। इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, स्पीड वाला और टाइम फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन जो होंगे 3 कवर अप होंगे एक टाइप में, फर्स्ट टाइप में। ओके, तो अ ट्रेन ऑफ लेंथ 320 मीटर इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दी हुई है 320 मीटर और स्पीड कितनी दी है 72 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी टाइम से रिलेटेड है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसमें आपने देख लेना है कि यूनिट सेम नहीं है, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, दैट मीन्स जहाँ पे भी हमारी स्पीड होएगी हमें स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? ये ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है टाइम का, ठीक है, टाइम का जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपके पास आएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। हमें लेंथ ऑफ ट्रेन को स्पीड ऑफ ट्रेन से डिवाइड करना है और हमारे पास टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल, इस यही स्टेप फॉलो करना है आपने। क्लियर?
कौन सा केस है? जब मैन, ट्री, टावर, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, या जिसकी लेंथ कंपैटिबल टू ट्रेन की लेंथ के बहुत कम है। तो ये हमारा ट्रेन और ये एक पोल की का क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, जिसमें हम अभी टाइम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पे। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम किसके इक्वल आएगा? टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ कितनी है? 320 मीटर डिवाइडेड बाय क्या आएगा? स्पीड, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? 720। अब एक बात का ध्यान रखना है आपने, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसलिए हम 5/18 यहीं पे कर देंगे इसके। क्लियर? 5/18 करने के बाद अब आपने इसको कैंसिल कर लेना है, ठीक है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेना है, ओके। इस 5 को हम कैंसिल करेंगे इसके साथ, 6 और 5 आ